इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टी पुश ऑपरेशन के अलावा देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ए एक बार ही आ रहा है और बी दो बार ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टैक में अगर ए आ रहा है तो वो एक एलिमेंट पुश कर रहा है, और बी जब दो आए तो उसे क्या करना चाहिए, इस एलिमेंट को पॉप करना चाहिए। तो ये इसका उस रिलेशन इस तरह का होगा। और बेस केस अगर देखें तो हमें पता चल रहा है n इज इक्वल टू जीरो एंड n इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि इसके अंदर दो रास्ते होने चाहिए एक्सेप्टेंस की तरफ जाने के। एक तो सीधा सीधा हो गया नल का केस, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे नल का केस बना लेते हैं जी। शुरू में ही नल आ जाए, जी पड़ा होगा स्टैक में, नो ऑपरेशन करके आप उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके पास ए आता है आप क्या करें, आपको यहाँ से z मिलेगा और आप x को क्या कर दें, पुश कर दें, और जितने भी a's आएंगे उन्हें x मिलेगा और वो सिंगल x को क्या करेंगे, पुश करेंगे। लेकिन जब b आएगा तो अब b के आने पे हमने ये नहीं करना कि दो बारी b आ रहा है तो दो बारी पॉप करें। हमारा काम ये होगा कि हम एक बारी पॉप कराएं, एक बारी हम नो ऑपरेशन कह देते हैं, दूसरी बारी जब b आएगा तो उसे क्या करना चाहिए, अब उसे पॉप करना चाहिए। और यहाँ पे अब हम लूप नहीं लगा सकते, हमें इसे टू के पेयर में पॉप कराना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास दूसरा बी आएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली मुझे एक्स मिलेगा और तो मैं उसे क्या कर दूँगा, नो ऑपरेशन को, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है वही हम यहाँ पे कर देंगे, एक्स रीड किया नो ऑपरेशन और आप वापस आ गए। अब इससे हो क्या रहा है कि ए एक बार आके एक एलिमेंट पुश कर रहा है और बी दो बारी आके एक एलिमेंट पुश कर रहे हैं। और इवेंचुअली क्या होना चाहिए जी, इवेंचुअली ये होना चाहिए जब स्ट्रिंग एंड हो तो आपके पास टैग में क्या पड़ा हो, जी पड़ा हो और आप उसे रीड करके एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाओ। तो ये एक और मेथड है जिसमें हमने मल्टी पुश की फंक्शनैलिटी को यूज़ नहीं किया बल्कि नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।